हेलो फ्रेंड्स। और शाम का टाइम है और ठंड है, नहीं तो भी सूप्स आर समथिंग विच आई टोटली लव। तो अब रोज रोज सेम सूप तो नहीं पी सकते, तो आज हम बनाएंगे ब्रोकली का सूप। देखिए कैसे बनता है। सो हमें ब्रोकली सूप बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बहुत ही सिंपल और फटाफट बनने वाला सूप है ये। मैंने एक बड़ा प्याज थिनली स्लाइस किया है और ये मैंने गार्लिक लिया है, करीब 8 से 10 गार्लिक लिए हैं। अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद ओमिट कर दीजिए, अगर ज़्यादा पसंद है मेरे जैसे तो इतने डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए, पर ज़रूर डालिए, बहुत मज़ेदार सूप बनेगा। और ये मेरी ब्रोकली, यस ये बेचारी मैं 2 दिन पहले लाके मैं फ्रिज में भूल गई, वॉज सो बिजी। तो अब मैंने सोचा इसे खाया तो जाएगा नहीं पास्ता में या किसी चीज़ में, क्योंकि इसका रंग उड़ गया है, तो सूप बना के इसे यूज़ किया जाए। सो ये मैंने कढ़ाई में करीब करीब 1 से 1.5 चम्मच तेल लिया। इट्स जस्ट कोटिंग दी माई कुकर, सॉरी मैंने कढ़ाई बोल दिया। कच्चा तेल है ये, उसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ क्योंकि ना मेरे को प्याज कैरामलाइज करने हैं। मैंने ऐसे रख रही हूँ और ये मेरी गार्लिक डाल देती हूँ। और ये जो मैंने कॉलीफ्लावर या सॉरी ब्रोकली जो धो के रखी है ये मैं रख देती हूँ। अब मैं इसे 1 सीटी बजाऊंगी फुल आंच पे। आप अगर चाहें तो ये चीज कढ़ाई में कर सकते हैं। तेल डालिए, प्याज और गार्लिक डाल के उन्हें अच्छे से फ्राई कीजिए। प्याज अगर थोड़े से ना हल्के हल्के ब्राउन हो, उसके बाद ब्रोकली डाल के फ्राई करें और ढक लगा दे ताकि वो पक जाए। उस आई एम नॉट डूइंग दैट क्योंकि इट्स टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंडली, इससे मेरा काम जल्दी हो जा रहा है, आई एम सेविंग फ्यूल ऑल्सो। तो देखें, अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और 1 सीटी में उबल जा स्टीम पक जानी चाहिए सारी ब्रोकली हमारी। सो 1 सीटी आते ही मैंने कुकर की सीटी के नीचे एक चम्मच रख के उसका पूरा स्टीम निकाल लिया। और ये देखिए, ये जला नहीं है, दिस इज कैरमलाइज्ड अनियंस। ये देखिए हमारे अनियंस कितने अच्छे से ब्राउन होके कैरमलाइज हो गए हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे ये हमारे ब्रोकली को, और ब्रोकली भी बढ़िया सी स्टीम हो गई है। सो ये मैंने सिर्फ ऑयल में किया है, बिल्कुल पानी डाले। आप यही चीज़ कढ़ाई में कर सकते हो, अगर आपको कुकर में करने से डर लग रहा है तो आप कढ़ाई में कर लीजिए। अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी और फिर पीसूंगी। सो अब मैं ब्रोकली में स्वाद अनुसार, ओह दिस इज सच अ मेस, नमक डाल लेती हूँ। जितना भी आपको लगता है नमक चाहिएगा मैं वो डाल लेती हूँ। और फिर हम इसमें काली मिर्च डालें, ये जो भी काली मिर्च आपको पसंद हो या घर पे पहले से कूट के रखी हो मैं वो डाल लेती हूँ। और अब मैं इसमें दूध डालूंगी क्योंकि ब्रोकली गोज वेल विथ मिल्क। ये मेरे पास तो ठंडा ही दूध है क्योंकि जब सूप गर्म होगा तो ये भी गर्म हो जाएगा। मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से पूरा ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए, ठंडा होते ही मैंने दूध मिलाया और इसे मैंने ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया है। इसे हम छानते नहीं है, ये ऐसे ही पिया जाता है। ये देखिए, अगर आप चाहें कि आपका सूप ज्यादा पतला हो तो आप उसमें और दूध मिला सकते हैं। सो मैंने एक बड़ी ब्रोकली ली है, कम से कम 250 से 350 ग्राम के बीच में थी वो। और एक बड़ा प्याज लिया है, 8 से 10 लहसुन लिए हैं, और दूध इज कम्प्लीटली आपकी चॉइस कि कितना डालें, काफ़ी थिक चाहिए आपको या पतला चाहिए उस बेसिस पे। क्योंकि मेरी ब्रोकली पुरानी थी तो आज मेरा ज़्यादा अच्छा रंग नहीं आया, नहीं तो दिस इज़ ब्राइट ग्रीन कलर सूप। और प्याज अगर आप कढ़ाई में कर रहे हो तो दिस इज़ टोटली ऑप्शनल कि आप उन्हें हल्का सा ब्राउन करो। मुझे मेरे बेटे को कैरमलाइज फ्लेवर इस सूप में बहुत पसंद है, इसीलिए मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, नहीं तो हल्का सा उन्हें कुक करके भी आप कर सकते हो। बनाए और मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।